हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर फाइन। आज हम बेटा मैट्रिक्स मेथड के अंदर ही होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन जो सिंपल इक्वेशन थी वो ए एक्स इक्वल टू बी था, एक्स इक्वल टू बी जो सिंपल इक्वेशन। लेकिन यदि बी इक्वल टू जीरो यानी कि जो इक्वल के कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। उनको क्या बोलेंगे हम? होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल टू यहां जीरो है, यहां पर भी इक्वल जीरो है, तो कॉन्स्टेंट टर्म जीरो हो तो उनको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए वही मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए? यदि या तो जीरो होगा या नहीं होगा। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो तो यह कहलाएगा नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल जीरो हो तो कहलाएगा ट्राइवल सोल्यूशन। ट्राइवल सोल्यूशन जैसे आप हिंदी में बोलते तुच्छ, नहीं इसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है भाई, तो ऐसे यहाँ पर ट्राइवल सोल्यूशन, ट्राइवल सोल्यूशन मीन्स यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे तुच्छ कहते हैं आप जीरो, यानी कि इट मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और यदि हमारे पास नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं, फिर हम जैसे मैनी सोल्यूशन करते थे वैसे ही करेंगे बेटा। तो यहां पर आपका ये आ गया। जैसे आप देखिए, मैंने फॉर एग्जांपल दो लिए हैं अपने क्वेश्चन, सेवंथ के हैं ये, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट है, हमने सबसे पहले ए लिया बेटा, ए व्हाट इज द ए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, तो ये आएगा हमारे पास 2, 3, -4, 3, -1, 2, 1, 2, -1 आ गया भाई। अब यहां पर बी क्या है, जीरो, और एक्स तो है एक्स वाई जेड रहेगा ही। अब बेटा यहां पर हमें तो ए चाहिए क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम, तो ये आएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस का 1, -4, -3, ये हमने छोड़ दिया, -3, -2, -4 है प्लस 4, ये हमने सॉरी -4, तो 3 to the 6, -+1 तो क्या आएगा -3 to the 6, -5 + 3 = 15, +7 - 28, -34 प्लस 15 कितना आ गया माइनस का 20, कितना आ गया हमारे पास माइनस का 19, तो -19 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो के इक्वल नहीं है तो यह क्या कहलाएगा, ट्राइवल सोल्यूशन। क्या कहलाएगा ये? ट्राइवल सोल्यूशन, इट इज ट्राइवल सोल्यूशन। और ट्राइवल सोल्यूशन है तो इट मीन्स यहां पर बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ये आंसर आ गया, आंसर ये हमने इतना लिखकर छोड़ देना है। अब मान लिया यहां पर आप जैसे यही अगला क्वेश्चन करें, डिटरमिनेंट ए निकाले, तो व्हाट इज द ए, ए आ गया, क्या आएगा ए, ए आ गया 1, 1, -1, 1, -2, +1, 3, 6, -5, ये मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ए निकाले तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए 1, +10, -6, -1, क्या आएगा -5, यहां पर कितना आएगा हमारे पास -3, -1, यह आ गया हमारे पास 6, -+ का 6, यह आ गया तो 4, -8, +8, -12,
तो किसके इक्वल आ गया, जीरो। ये आ गया ना भाई जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। इट इज क्या आएगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आ जाए तो हमें कैसे करना है, इट इज क्या आएगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बेटा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आ जाए। जैसे ये है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, अब इसको आ जाए तो हमें क्या है, तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो अपने को किसी एक को आप के मान लेंगे, क्या मान लोगे, के। जैसे हम मैनी सॉल्यूशन में करते थे तो एक्स वाई जेड, जेड को हम ज्यादातर के मानते हैं, तो जेड को हमने के मान लिया, लेट जेड इक्वल टू के। अब के मान लिया तो इसे पुट करोगे फर्स्ट में, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड और ये थर्ड आप पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू के, एक्स प्लस वाई इक्वल टू के, और ये आ गया एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस के। अब इनको बेटा एलिमिनेशन मेथड द्वारा सोल्व कर दीजिए आप, तो ये आ गया हमारे पास, सोल्व कीजिए, ये फोर्थ इक्वेशन और ये फिफ्थ, सोल्व कीजिए। तो सोल्व करोगे बेटा कितना आएगा, सोल्व करेंगे माइनस ये प्लस प्लस, तो कितना आ गया, एक्स कैंसिल, तो यहां पर सोल्व कर रहा हूं मैं, कितना आएगा थ्री वाई इक्वल टू टू के, तो वाई इक्वल कितना आ गई, टू के बाई थ्री, और वाई इक्वल आप ऐसे पुट करें टू के बाई थ्री, तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फोर्थ, फोर्थ में पुट कर दिया तो पुट करेंगे बेटा कितना आएगा, एक्स प्लस टू के बाय थ्री इक्वल टू के, तो एक्स इक्वल टू के माइनस टू के बाय थ्री, तो वन के बाय थ्री, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, के बाय थ्री। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, एक तो एक्स की वैल्यू आ गई के बाय थ्री, एक क्या आ गई वाई की वैल्यू आ गई, और एक क्या आ गई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड, ये तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास। तो दैट इज द आंसर, यानी कि बेटा ट्रायल सॉल्यूशन हो तो जीरो आंसर लिख के छोड़ देना है, और नॉन ट्रायल सॉल्यूशन हो तो जैसे हम मैनी सॉल्यूशन में करते थे वैसे करना हमने। ओके, तो सुन में आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब देखो बेटा अगला करते हैं हम इसी टाइप का, अगला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है a इक्वल टू वन माइनस टू टू वन, a इक्वल टू इफ a इक्वल टू वन माइनस टू टू वन, देन यूजिंग a इनवर्स, देन यूजिंग a इनवर्स सोल्व द फ्लॉइंग इक्वेशन, सोल्व द फ्लॉइंग इक्वेशन, फ्लॉइंग इक्वेशन, सोल्व द फ्लॉइंग इक्वेशन सोल्व करें हम, क्या आएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन, और सेकेंड है टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू। ये बेटा अब देखिए भाई, पहला तो क्वेश्चन ये हमारे पास कि भी a इक्वल टू दिस है, a इक्वल टू दिस, देन फाइंड द a इनवर्स निकालना है। तो पहले देखो बेटा a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स क्या आता है, दो तरीकों से करते हैं हम, एक तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और एक हमारे पास क्या करते थे एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मेजरमेंट ऑफ a। तो वो हमने बेटा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं करना जब तक कि आपको क्वेश्चन पेपर में ना कहा गया हो, हमें एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मेजरमेंट ऑफ ए करना है।
तो ए इनवर्स निकालिए भाई, तो ए इनवर्स निकालते हैं, पहले तो ज्वाइंट ए निकालेंगे और उससे भी पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, देखेंगे इनवर्स सर्विस कर रहा कि नहीं कर रहा। तो वन ये माइनस माइनस प्लस का फोर इक्वल टू फाइव, वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, हमें पता है इसके तो हम इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज कर दिया वन वन, और इसको हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, तो प्लस का टू माइनस का टू, दैट द एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स निकालना बेटा, तो इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इनवर्स निकाला हमने, इनवर्स निकाले एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हमारे पास, वन टू माइनस टू वन अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना बेटा फाइव, तो वन बाय फाइव या गया। अब इसको यहीं पर हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया, ए इनवर्स निकाल था। फिर सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, एग्जाम में ये भी आता है, सोल्व द इक्वेशन, हेंस इट मींस इसका यूज करके हमने इसका इक्वेशन को सोल्व करना है, ये भी आता है। तो आपको इक्वेशन सोल्व करनी बेटा, आप इक्वेशन सोल्व करनी है तो हम कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखिए आप इसका आप वही आप एक बार इसको भूल जाते हैं और हम ए क्या करते, देखो भाई इसको आप ए लें, इसका ए लें, ये आएगा वन माइनस टू, वन माइनस टू टू टू। लकीली हमारे पास जो इसका ए है वही तो इसका ए है ना, जो इसका ए है वही तो इसका ए है, तो इट मींस हमें अब इसको सोल्व करना है। तो डिटरमिनेंट ए हमने निकाल चुके थे इसका, डिटरमिनेंट ए कितना था हमारे पास, इक्वल टू फाइव विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया, हमने पढ़ा था जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल ना हो तो वो क्या होगा, क्या होगा भाई, इट इज ए यूनिक सॉल्यूशन, इट इज ए यूनिक सॉल्यूशन, इट इज ए यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो कैसे निकाल देते बेटा, अपन ये निकाल देते क्या, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब बेटा अब इसमें हमें इनवर्स दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, अब आप इसी का यूज करेंगे, इनवर्स जो आप निकाल चुके उसी का हम इनवर्स यूज करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास x इक्वल टू वन बाई फाइव, यह आएगा टू वन टू माइनस टू वन इंटू बी, बी कितना हमारे पास, बी व्हाट इज द बी, यहां पर ए इक्वल टू तो ये दिस था, एक्स क्या था हमारे पास एक्स वाई, और बी व्हाट इज द बी होता है जो इक्वल टू इस तरफ होता है वो, तो माइनस वन टू, तो ये आ गया हमारे पास, तो बी कितना है यहां पर माइनस वन टू, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई फाइव बाहर रखेंगे, माइनस का वन प्लस का फोर और माइनस टू टू प्लस टू, तो ये आ गया वन बाई फाइव कितना आ गया थ्री फोर, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, एक्स क्या था एक्स वाई इक्वल टू थ्री बाई फाइव फोर बाई फाइव, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थ्री बाई फाइव, y की वैल्यू 4 by 5, that is the answer, x equal to 3 by 5, y equal to 4 by 5। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इनमें पुट कर देंगे इक्वेशन, चेक करेंगे कि अपना आंसर ठीक है या नहीं। तो देखिए भाई रखते हैं इसके अंदर 3 by 5 माइनस 4 टू 8 by 5, तो माइनस 5 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस वन, यस अपना ट्रू है क्वेश्चन, तो ये करेक्ट क्वेश्चन है अपना, यस है ना। तो इसमें हमने क्या पढ़ा बेटा, पहले तो इनवर्स निकालिए फिर इसका यूज करके हमने इसको सोल्व करना था, तो हमें इनवर्स तो एक ही बार निकालना, ये नहीं कि आप दो बार निकालोगे, इसका अलग और इसका अलग सेम होगा, ये अलग बात होगा कई बार इसका क्या होगा ट्रांसपोज हो जाएगा,
तो हम इसका भी जैसे इसका ट्रांसपोज हो, यदि यही क्वेश्चन ऐसे होता कि भाई इसका ट्रांसपोज होता ये 1 माइनस 2 प्लस 2 2 ट्रांसपोज होता, तो हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन करवाऊंगा और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। जैसे आप यही स्टेटमेंट ऐसे होती कैसे भाई, यदि यहां पर होता माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2। अब बेटा यहां पर करें, अब ये अगला क्वेश्चन है, अब माइनस 2 प्लस 2 है, अब यहां पर a कितना है, यहां पर है 1 प्लस 2 और ये क्या है माइनस 2 प्लस 2, तो ये यहां पर a कितना आएगा, डिटरमिनेंट तो वही आएगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट खुद ही इक्वल होता है। अब बेटा यहां पर हम देखिए इनवर्स क्या आएगा, ये a क्या है यहां पर 1 2 माइनस 2 1 और यहां पर क्या है इसका ट्रांसपोज 1 माइनस 2, देखिए आप 1 2 है तो ये क्या करते हो भाई 1 इसका ट्रांसपोज होना चाहिए था, हाँ तो इसका ट्रांसपोज सॉरी इसका देखिए तो ये 1 माइनस 2 है तो 1 माइनस 2 यस 2 1 2 1 1 माइनस 2 यहाँ के हमारे पास और 2 1 तो 1 करेंगे अपन तो यही आएगा बेटा हमारे पास। क्या और सॉरी 1 था भाई ये 1 ये 1 था और ये 1 1 अब ये करें, अब बेटा इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, अब ट्रांसपोज में इसका ट्रांसपोज करो तो हमने इनवर्स का भी ट्रांसपोज कर देना, क्या मीन्स ये कि भी इनवर्स का आप ट्रांसपोज कर दोगे, तो ट्रांसपोज करोगे तो 1/5 क्या देगा 1 2 माइनस 2 1, अब ये पुट करोगे आप इसके अंदर, आप इसको पुट करोगे, आपको ये वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, ऐसा यदि ट्रांसपोज आता है तो ठीक है। जैसे इसका तरह क्वेश्चन है अपना ये 9 का सेकंड पार्ट है, अब ऐसे ही क्वेश्चन ये 8 का फर्स्ट पार्ट किया था हमने, 8 का सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, 9 का फर्स्ट पार्ट 9 का सेकंड पार्ट ऐसा ही है। 10 का क्वेश्चन देखिए आप, सम क्या बेटा देखिए क्या कर रहा है, दो मैट्रिक्स हैं, एक रखा है 1 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4, दूसरा हमारे पास माइनस 2 0 माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 6 1 माइनस 2 6 1 माइनस 2 एंड यूज इट टू सॉल्व द इक्वेशन, इसको यूज करना है सॉल्व द इक्वेशन, एक इक्वेशन रखी हमें क्या x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1 x माइनस वाई प्लस 2 दैट इक्वल टू 1, सेकंड क्वेश्चन है 2y माइनस 3 दैट इक्वल टू 1 2y माइनस 3 दैट इक्वल टू 1, थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस 2y प्लस 4 दैट इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 4 दैट इक्वल टू 2, ये है हमारे पास। अब देखिए बेटा इसको करना है सॉल्व, तो पहले आप सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कर रहा है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो कैसे करोगे आप, मल्टीप्लाई करो तो a इंटू बी, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो ए ये आ गया और बी ये आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए और बी मल्टीप्लाई कीजिए। आप कैसे करोगे भाई, तो वन को इससे कीजिए कितना आएगा हमारे पास माइनस टू, हमने मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन को माइनस टू से कीजिए कितना आएगा माइनस टू, माइनस वन को इससे कीजिए माइनस का नाइन, टू सिक्स ट्वेल्व, फिर वन को जीरो से जीरो माइनस टू प्लस टू वन जा टू, फिर वन वन जा वन प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस का फोर, ये आ गया जीरो टू जीरो, टू नाइन जा एटीन माइनस थ्री सिक्स जा एटीन, जीरो जीरो जीरो, टू टू जा फोर। पता ही हो आपको मल्टीप्लाई करना तो बेटा माइनस थ्री, कि हम क्या करते हैं कि ये रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जीरो वन जा जीरो, टू थ्री जा सिक्स, माइनस प्लस का सिक्स, ये आ गया, फिर थ्री माइनस टू जा सिक्स, माइनस टू नाइन जा एटीन, प्लस ट्वेंटी फोर, थ्री जीरो जीरो, माइनस का टू टू जा फोर, प्लस का फोर, थ्री वन जा थ्री, प्लस का सिक्स, माइनस प्लस का एट, माइनस का एट, सॉरी सोल्व कीजिए भाई इसको कितना आएगा, सोल्व करते हैं हम, ये आएगा माइनस नाइन टू इलेवन, प्लस वन आ गया जीरो, यहां पर फिर गड़बड़ करती है पैक करने में, वन को आप इसे करो कितना है वन प्लस थ्री माइनस फोर, सॉरी माइनस फोर, तो ये कितना आ गया जीरो जीरो वन जीरो 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 वन, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया। तो हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी, इफ ए बी इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाए, ए बी इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाए तो बी क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स, या ए क्या कहलाएगा बी का इनवर्स। तो देखो बेटा यहां पर अब हो गया, इतना कंप्लीट हो गया, अब इसको यूज करके इसको सोल्व करना है। तो हम देखो बेटा यहां पर ए ए कितना आएगा, लीजिए आप वन माइनस वन टू जीरो, टू माइनस थ्री, थ्री माइनस टू फोर, ये हो गए। अब बेटा ये है तो ये चीज ये और ये सेम ही तो है भाई, अरे ये और ये सेम है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, और इन दोनों पे किया था हमने क्या आ गया, क्या आ गया था इन दोनों पे किया था आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया था, तो ये क्या कहलाएगा इसका इनवर्स। तो अब हमें इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा ए इनवर्स सीधा ही क्या, माइनस टू जीरो वन नाइन टू माइनस थ्री सिक्स वन माइनस टू, ये सीधा आ गया। अब सोल्व कर लीजिए क्या दिक्कत आता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये ए इनवर्स ये आ गया, बी ए वन वन टू आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। ओके ठीक है, तो ऐसे यहां पर हमारे पास आप कुछ जो कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है 12, 13, 14 है वो आपको कुछ नहीं है, बस सिंपल इक्वेशन बनानी है फिर सबने सोल्व करनी है। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, तो इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे, कोई भी इक्वेशन नहीं, जैसे हमने टेंथ में हमने भाई इक्वेशन बनाते ही थे, उन तीन इक्वेशन को बनाना है बस, और कुछ नहीं है हमने थ्योरिकल में। तो इसी तरीके से आप अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कल आप इसकी डाउट लेते हैं, डाउट लेके फिर इसका हम टेस्ट प्रोसीजर लेके स्टार्ट करते हैं। ओके थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।